18 सितंबर यानी कि पितृ पक्ष का पहला दिन था। पितृ शांति पूजा करवाने के लिए साल का सबसे बड़ा अवसर होता है पितृ पक्ष। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम देवताओं ते नमन में। सनातन धर्म में पितृ पक्ष का विशेष महत्व है। यह भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कई अनुष्ठान करते हैं। इसके अलावा मान्यता है कि पितृ पक्ष में दान करने से पितरों की तृप्ति हो सकती है और वह अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान पूर्वजों की आत्मा धरती पर आती है, इसलिए उनके वंशज उन्हें संतुष्ट करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। पितृ पक्ष से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है। सबसे दिलचस्प कथा महाभारत के कर्ण से जुड़ी है। कथा के अनुसार कर्ण की मृत्यु के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना दिया गया। वह भोजन की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें इंद्रदेव मिले। कर्ण ने उनसे पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि उसने पूरा जीवन बस सोना ही दान किया है और पूर्वजों को कभी भी भोजन दान नहीं किया। कर्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन हैं, इसलिए कभी पूर्वजों को दान नहीं दे पाए। इसके बाद कर्ण को अपनी गलती सुधारने के लिए 15 दिन तक पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने पूर्वजों को याद करते हुए भोजन दान करते हुए तर्पण किया। इन्हीं 15 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। मोक्ष की नगरी के रूप में विख्यात काशी में पवित्र पिशाच मोचन कुंड स्थित है, जो पितृदोष शांति महापूजा के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। गरुड़ पूजा के दौरान इस कुंड का आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। काशी खंड के अनुसार पिशाच मोचन कुंड गंगा की पृथ्वी पर अवतरण से भी पहले से मौजूद है। सदियों से देश भर के श्रद्धालु काशी के इस कुंड में अपने पूर्वजों का पिंडदान करने और उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए आशीर्वाद मांगने आते हैं। वहीं पितृदोष शांति महापूजा के साथ काशी में गंगा आरती करवाने से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त हो सकती है और पारिवारिक कलह का समाधान हो सकता है। आप लोग भी अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए महापूजा करें। उनके जीवित रहते उन्होंने जो भी आपके लिए कार्य किए हैं उसका ऋण इस समय जरूर उतारें। बाकी जल्द मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। तब तक हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।